Hi children, in this video we discuss about the sum ions. कुछ ions के बारे बताएंगे जो common ions बनते हैं, cation, anions, ठीक है? And you must be remember it. ये आपको याद कर लेना है, हो सके तो आप copy निकाल के लिखते चलोगे साथ में जैसे बताते जा रहे हैं, ठीक? And it is used to writing the chemical formula. इसके बाद में हम लोग chemical formula लिखना सीखेंगे, कुछ समय इसका काफी ज्यादा यूज है. तो पहला क्या, हाइड्रोजन एस प्लस होता है सिंबल, वैलेंसी वन आता है, ठीक है. सोडियम है एटम, इसका आयन का सिंबल होता है Na प्लस, वन वैलेंसी. पोटासियम के प्लस, वैलेंसी वन. सिल्वर Ag प्लस एक रहेगा यहाँ वन. कॉपर वन है, यहाँ वन का मतलब है आपका इसका वैलेंसी वन आना, ठीक है, Cu प्लस वन. अमोनियम है NH4 प्लस एक रहेगा वन. मैग्नेशियम Mg2 प्लस मतलब टू वैलेंसी. कैल्शियम Ca 2 प्लस वैलेंसी 2 आएगा. कॉपर 2, यहाँ कॉपर 2 लिखा है ब्रैकेट में, मतलब इसका वैलेंसी 2 होगा, तो Cu 2 प्लस रहेगा इसका सिंबल. आयरन 2 है तो आपका Fe 2 प्लस रहेगा सिंबल 2. जिंक का भी आपका वैलेंसी 2 होता है तो इसका नोटेशन क्या होगा, Zn 2 प्लस, ठीक है. एल्यूमिनियम रहेगा तो Al 3 प्लस आएगा, वैलेंसी 3 लिखना है आपको. आयरन 3 यहाँ थर्ड 3 लिखा हुआ है, मतलब इसका वैलेंसी आपका 3 है. Fe 3 प्लस नोटेशन, वैलेंसी 3. नाउ चिल्ड्रन वी ऑब्जर्व सम एनायंस, कुछ जो आपका काफी इंपॉर्टेंट एनायंस है उसके बारे बता रहे हैं. यू मस्ट बी रिमेम्बर, ये आप भी याद रखोगे, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है. जैसे देखो हाइड्राइड H माइनस वैलेंसी 1, हाइड्रोक्साइड OH माइनस वैलेंसी 1, क्लोराइड Cl माइनस वैलेंसी 1, ब्रोमाइड Br माइनस 1 होगा वैलेंसी, आयोडाइड I माइनस 1 रहेगा, नाइट्रेट NO2 एक माइनस साइन है वन वैलेंसी, बाइकार्बोनेट HCO3 एक माइनस है वन वैलेंसी है, कार्बोनेट CO3 टू माइनस है वैलेंसी 2, सल्फाइड SO3 टू माइनस वैलेंसी 2, सल्फेट SO4 टू माइनस वैलेंसी 2, सल्फाइड S टू माइनस 2 रहेगा वैलेंसी, ऑक्साइड O2 माइनस वैलेंसी 2, फॉस्फेट PO4 2 माइनस 2, नाइट्राइड N3 माइनस वैलेंसी 3. तो चिल्ड्रन यू मस्ट बी रिमेंबर्स द ऑल एनायंस एंड कैटायंस. ये आपको एनायन और कैटायंस पूरा याद रखना है वैलेंसी के साथ. तो इससे क्या होगा, आपको जो फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे आगे जो बनाएंगे केमिकल फॉर्मूला, वहां आपको इसको क्या है काफी यूज है. अब ये वैलेंसी कैसे आया इसका डिटेल हम लोग बात करेंगे चैप्टर 4 में, ठीक है. यहाँ उतना डिटेल हम लोग को नहीं जाना है. तो ये वैलेंसी जो भी आ रहा है आप मेरे साथ बने रहना चैनल में, आपको चैप्टर 4 में ये सब जो वैलेंसी आ रहा है वो आपको मैं वहाँ क्लियर बताऊंगा, वहाँ क्लियर कॉन्सेप्ट दूंगा इस वैलेंसी के बारे में. थैंक यू चिल्ड्रन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.